नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्या चल रहा है? अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि भारत में तो यार भारत चीन विवाद चल रहा है, सीमा विवाद। हर तरफ जहाँ देखो वहीं पर भारत चीन सीमा विवाद की चर्चा हो रही है, भारत चीन संबंधों की चर्चा हो रही है। भाई ड्रैगन ने ये क्या कर दिया, हमें धोखा दे दिया। भारत चीनी भाई भाई कहने वाले भारत को, नेहरू जी को धोखा दिया और लगातार धोखा देता आ रहा है। मोदी जी ने भी बड़ा झूला झुलाया था और मूँगफलियाँ खिलाई थी और नारियल पानी पिलाया था, लेकिन चीन तो भाई चीन है, वो उसकी मतलब धोखेबाजी में कोई कमी कभी आती नहीं है। तो आजकल बड़ा माहौल चल रहा है भारत और चीन के बारे में, सीमा विवाद का माहौल चल रहा है। न्यूज़ चैनल देख लो, सोशल मीडिया देख लो, जहाँ देख लो, यूट्यूब देख लो, सब वीडियो बना रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं उसके बारे में। बड़े बड़े आपके मेजर जनरल आ रहे हैं और पूरे एकदम लगे हुए हैं पूरा एनालिसिस करने में, ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत की शक्ति ये, चाइना की शक्ति वो, हम स्ट्रांग हैं, हम ये हैं वो हैं, बहुत कुछ चल रहा है आज के डेट में। तो मैंने सोचा कि यार चलो, भारत और चीन का जो संबंध रहा है, ऐतिहासिक संबंध रहा है, भले ही वो कटुतापूर्ण ही क्यों ना रहा हो, सीमा विवाद के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे विवाद भारत और चीन के साथ जो है उसका चोली दामन का साथ है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ जान ले आज। तो आज मैंने राज व्यवस्था का वीडियो बनाना था लेकिन छोड़ दिया, और आज हम लोग जानेंगे भारत चीन संबंधों के इतिहास के बारे में। यह हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का टॉपिक भी है, यूपीएससी का और यूपीपीएससी और बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो आयोग हैं उनमें भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत चीन संबंधों से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आखिर पड़ोसी देश है, और अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है कि भाई पड़ोसी को तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, कल एक मणिकांत सिंह हैं, इतिहासकार हैं, किताबें वगैरह लिखते हैं, इतिहास पढ़ाते भी हैं, उनका बड़ा अच्छा कथन सुन रहा था, वीडियो देख रहा था उनका। तो उन्होंने कहा कि एक बार नेपोलियन ने ऐसा कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा कहा था कि भाई पूरब में जो दैत्य है, जो ड्रैगन है, वो सो रहा है, उसको सोने दो, जिस दिन वो जाग गया ना तबाही मचा देगा। तो ये पूरब का जो दैत्य था उन्होंने चीन के बारे में ही कहा था, ड्रैगन चीन को ही कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं ये बात। और बात उनकी बिल्कुल ही आज के परिप्रेक्ष्य में या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि पूरब का जो ड्रैगन है वो चीन जो है वो कभी भी धोखाबाजी करने से बाज नहीं आता, हमेशा पीठ पर चूड़ा घोपता है। क्यों? क्योंकि न वहाँ की सरकार जो है वो हिम्मत वाली है, और न ही वहाँ के सैनिक जो है या वहाँ की जो सेना है, पीएलए जिसको कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ना वो जो है वो आपकी मजबूत है, या फिर कहते हैं ना कि सेना ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हथियार हो ना हो, मतलब हाथों से ही पूरा कल्याण कर दे, तो वैसी सेना हमारी है, वो चीन की सेना वैसी नहीं है। चीन में क्या होता है, बहुत सारा विश्लेषण मैंने देखा है, चीन में क्या है कि वन चाइल्ड पॉलिसी है, और लोगों को क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करा दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग लेना जो है वो अनिवार्य होता है हर नागरिक के लिए, मतलब जो भी यंग जनरेशन है, वैसे तो यंग जनरेशन है नहीं उनके यहाँ, बहुत कम है, सब लोग जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या तो बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन जो भी हैं उनके लिए सैन्य ट्रेनिंग जो है वो अनिवार्य है। अब ज़बरदस्ती आपको सेना में भर्ती कर दिया जाए, हैं, और वो भी वन चाइल्ड पॉलिसी है, आपको पता है कि भाई माँ बाप का इकलौता हूँ, अगर मर गया तो माँ बाप को कौन देखेगा, तो वहाँ पर क्या देशभक्ति की भावना आएगी? नहीं आएगी, आप तो ज़बरदस्ती भेजे गए हो। तो भैया हथियार है, जब तक मन किया लड़ लिए, जब ना मन किया ना लड़े, वही उसकी स्थिति है। अब सेना की संख्या बढ़ाने के लिए आप भर्ती तो ज़बरदस्ती कर सकते हो, लेकिन क्या उसमें देशभक्ति का जज्बा पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या उसको देश के लिए, अपनी सीमा के लिए लड़ने की भावना उसमें पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उनको आधुनिक हथियार दे सकते हो, लेकिन वो जज्बा, वो हौसला, वो मातृभूमि के प्रति प्रेम, वो त्याग, वो कहाँ से दोगे? नहीं दोगे। तो इन सब चीज़ों का भारतीय सेना में पूरा जोर होता है। भारतीय सेना जो होती है, आप देखते होगे सेना का दौर होता है या फिर सेना की जो भर्ती होती है, तो लाखों युवा जो है एकत्रित होते हैं, और मतलब
ठीक है, बेरोजगारी की वजह से भी बहुत लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन अधिकतर जो उसमें होते हैं उनमें मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति जो है, देश सेवा का जज्बा होता है। बच्चा बच्चा हमारे यहाँ सेना की कदर करता है, सेना की इज्जत करता है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो, कुछ अपवाद किसके बारे में कह रहा हूँ वो भी आपको पता होगा। तो हमारे यहाँ जो देशभक्ति का जज्बा है वो चीन में कभी हो नहीं सकता। और हमारी सेना जो है, खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग करने में या फिर वहाँ पर कार्रवाई करने में, वो चीन की सेना से बहुत आगे है, बहुत हद तक आगे है। हमारी सेना वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, और हमारे अंदर जज्बा भी है कि हम अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भले ही जान चली जाए। ऐसा ही परिचय दिया है अभी हमारे गलवान के, हमारे बलवानों ने, गलवान के बलवानों ने तो एक मेजर की हत्या कर दी जाती है जब वो जाते हैं चीनी चौकी में और बोलते हैं कि भाई आपने डीएस्केलेट करने के लिए कहा था और आपने किया नहीं। तो वो चले जाते हैं उसकी चौकी में और बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन चीन की तो पुरानी आदत है, पीएलए ने उन पर हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। उसका बदला लेने के लिए भारतीय सिपाही गए, जो उनके साथ ही थे, भारतीय सिपाही गए और उन्होंने बहुत बेहतरीन मुकाबला किया। हालांकि 20 सैनिक हमारे भी शहीद हुए, जिनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उन्होंने 50 के करीब चीनी सैनिकों को उनकी औकात दिखा दी, कितनों की तो हड्डियां तोड़ दी, कितनों के मतलब गर्दन ऐसे टूट करके लटके हुए थे और कितनों का चेहरा तक चीन जो है वो पहचान नहीं पाया। हालांकि वो स्वीकार नहीं करता है मतलब मंचों पर, प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सैनिक जो हैं वो वीरतापूर्वक लड़ते हैं, उनको हथियारों की आवश्यकता भी नहीं होती है और अपने बाहुबल से ही वो जो है पराजित करने में सक्षम है। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी भारत शांति प्रिय देश है, जब तक कोई उसको उकसाता नहीं है तब तक वो कार्रवाई करता नहीं है। और शांति प्रिय तो पहले इतना था कि उसका जिक्र अभी मैं करूँगा आपको इतिहास में, तो पता चलेगा कि भारत कितना शांति प्रिय देश था और भारत चीनी भाई भाई कहते कहते हमें कितना धोखा मिला और नेहरू जी ने और बाकी लोगों ने क्या क्या किया, शांति प्रिय देश होने का हमें क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए, मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में और शुरू करते हैं आज का अपना विषय, जो कि है भारत चीन। तो भारत चीन जो संबंध है उसको हम लोग तीन चार कालखंडों में देखेंगे और कुछ अलग अलग टॉपिक्स में विभाजित करके देखेंगे। तो पहला कालखंड जो होगा वो हमारा स्वाधीनता से लेकर के 1962 के युद्ध तक की अवधि होगी, या फिर 1964 में नेहरू जी के मृत्यु तक की अवधि होगी। उसके बाद हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर के और 1980 के आसपास के दशक तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, 65 से 80 तक का देखेंगे और उसके बाद फिर 80 से लेकर के अब तक का देखेंगे कि क्या क्या भारत चीन संबंधों के विभिन्न आयाम रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग संबंधों को विभिन्न भागों में बांट करके देखेंगे और विभिन्न घटनाओं के आधार पर देखेंगे, जैसे पंचशील का क्या भूमिका था भारत और चाइना के बीच में संबंधों में, वो देखेंगे, पंचशील के सिद्धांत क्या थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग तिब्बत के बारे में देखेंगे कि तिब्बत की समस्या क्या थी, चीन ने जो तिब्बत पर आक्रमण किया था उस पर भारत का रुख क्या था। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है चीन की विभिन्न पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसकी, फिर आपका सिल्क रूट पॉलिसी है। ठीक है, उसके बाद फिर चीन जो है वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है वो देखेंगे। दक्षिण चीन सागर में जो चाइना की गतिविधियां हैं उन पर देखेंगे। फिर विश्व परिस्थिति में देखेंगे कि चाइना का क्या पोजीशन है, भारत का क्या पोजीशन है और दोनों के बीच संबंधों में क्या खटास आती रहती है, क्या 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 होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी का जो समस्या है वो क्या है, गलवान घाटी का जो समस्या है वो क्या है। फिर इससे पहले 2017 का हम लोग डोकलाम का विवाद भी देखेंगे और वहाँ भी चलेंगे, थोड़ा बहुत मैप पर भी देख सकते हैं, वैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं तो हाथ से ही थोड़ा बहुत मैप वगैरह बना करके मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे, कालक्रम भी देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग विभिन्न घटनाओं के रूप में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक संबंध देखेंगे, आर्थिक संबंध देखेंगे, रक्षा संबंध देखेंगे, ये सब भी आगे देखेंगे, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग चलते हैं भारत चीन संबंधों के इतिहास के बारे में, और पहला कालखंड हम लोग लेते हैं 1962 के युद्ध तक का जो कालखंड है वो लेते हैं 1947 से। तो हम लोग सब लोग जानते हैं 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, और उस समय हम लोगों ने अंग्रेज़ों से तुरंत तुरंत आज़ादी प्राप्त की थी। हम लोगों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत भयानक लड़ाई लड़ी थी, उसमें बहुत सारे त्याग भी हमें करने पड़े थे। उसी प्रकार से चीन भी जो था वो परतंत्र था, ठीक है, और वहाँ पर भी जो है जापान का शासन हुआ करता था, वहाँ पर भी जो है स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी, और मतलब चीनी क्रांति जो है वो चल रही थी। वो चीनी क्रांति ख़त्म हुई आपकी 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना के साथ। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की विधिवत स्थापना हुई, और साम्यवादी सरकार की स्थापना जो हुई थी वो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ ही हुआ था, और भारत ने भी साम्राज्यवाद के खिलाफ ही अपनी आज़ादी हासिल की थी। तो दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए थे। भारत जो है उसकी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, अपनी संस्कृति बहुत पुरानी है, और चीन की संस्कृति भी बहुत पुरानी है, बहुत सारी समानताएँ भी हैं उसमें, वो भी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक। तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि भारत और चीन जो है वो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो एशिया की विकास की गति को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, और दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं, एशिया का नाम कर सकते हैं, और महाशक्ति बन सकते हैं। तो वैसे तो 1947 से पहले कोई खास संबंध नहीं रहा, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद जो है हम लोगों ने जब 1949 में साम्यवादी चीन की सरकार को अपनी मान्यता दी, और उसके बाद फिर यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी चीन का जो की जो सदस्यता थी उसको भी हम लोगों, उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था, भारत ने समर्थन किया था, तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखा जा रहा था कि चीन भी जो है पॉजिटिवली हमें रिएक्ट करेगा और संबंध आपस में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से देखा जा रहा था। तो वही मैं जो कह रहा था 30 दिसंबर 1949 को भारत ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी थी। तो ये डेट याद रखिएगा, आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है, हर डेट इम्पॉर्टेंट है जो भी भारत और चाइना से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो संबंध आगे चलते रहे। 1954 में क्या हुआ कि चीन की सरकार ने एक पत्र लिखा, विरोध पत्र लिखा नेहरू जी को, ठीक है, मतलब भारत की सरकार को पत्र लिखा और कहा कि बाराहोती में भारतीय सैनिकों ने जो है अतिक्रमण किया है, चीन की सीमा के साथ जो है अतिक्रमण किया है, चीन की सीमा पार की है, ठीक। तो अब जो है नेहरू जी का क्या कहना था, नेहरू जी तो शांति प्रिय आदमी थे, उन्होंने कहा कि भैया बाराहोती जो है वो उत्तर प्रदेश का भाग है, उस समय उत्तर प्रदेश ही था, अब तो उत्तराखंड हो गया है, तो उन्होंने कहा कि भैया उत्तर प्रदेश का भाग है, वहाँ पर तो हमारी बहुत समय से एक सीमा चौकी भी चली आ रही है, तो वो हमारा ही भाग है, तो उसमें हम लोग जो भी करें उसमें अतिक्रमण की बात ही नहीं है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन चीन जो है वो मानने वाला था नहीं, वो उसको टालता रहा बात को। जब भी आपके नेहरू जी जो हैं 1954 में चीन की यात्रा पर भी गए, वहाँ पर भी जा कर के उन्होंने ये बात दोहराई कि भैया उत्तर प्रदेश का भाग है और हम लोग अपने सीमा में जो भी करें उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने समझाने की कोशिश की, शांति चाहते थे बेचारे, लेकिन चीन मानने वाला था नहीं। इस समय नेहरू जी के ऊपर हिंदी चीनी भाई भाई का बड़ा वो चल रहा था, पंचशील का समझौता हो चुका था, और मतलब नेहरू जी जो है चीन के साथ एकदम अच्छा शांतिपूर्ण संबंध चाहते थे, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन चीन मानने वाला था नहीं, वो मामले को टालता गया। उसके बाद फिर चीन के प्रधानमंत्री जो थे वो भी भारत आए, लेकिन उन्होंने भी फिर से जो है बाराहोती का मामला उनके सामने उठाया गया, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1958 में चाइना का एक मैगजीन था, चाइना पिक्टोरियल, उसने एक नक्शा चीन का प्रकाशित किया जिसमें उत्तर पूर्व का जो कि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से लगा हुआ भाग था,
उसका 36,000 वर्ग मील और पश्चिम का लगभग 12,000 वर्ग मील क्षेत्र जो है उसको चीन के मानचित्र में दिखलाया कि भैया चीन का वो हिस्सा है, ठीक है। और यहीं से जो है तनाव का प्रथम संकेत मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जब भारत ने इस पर रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की और विरोध दर्ज कराया इस मानचित्र पर, तो चीन का कहना था उस समय कि भैया हम तो साम्यवादी सरकार हैं, इससे पहले जो राष्ट्रवादी सरकारें थे उन्होंने ये मानचित्र जारी किया होगा और जो मैगजीन है उसने बिना पूछे हमसे और इसको छाप दिया है, तो आप टेंशन ना लें, हम लोग नया जब अध्ययन करेंगे मानचित्रों का उस समय हम लोग जो है इसको निपटा लेंगे। तो भैया भारत ने भी चलो ठीक है, वो आ गया लॉलीपॉप उन्होंने दे दिया चीन ने, और नेहरू जी लॉलीपॉप खा के वापस आ गए, मतलब कुछ किया नहीं उन्होंने। उसके बाद फिर 1959 में जो चीन का प्रधानमंत्री था चाउ एन लाई ने भारतीय भूभाग पर अपना अधिकार जताया, कैसे, नेहरू जी को पर्सनल लेटर लिखा उसने, नेहरू जी को पर्सनल लेटर लिखा और फिर जो है लगभग 48,000 वर्ग मील का जो भाग है उस पर अपना अधिकार जताया और उसने कहा कि भैया मैकमोहन रेखा को हम नहीं मानते हैं। मैकमोहन रेखा जो है वो आपका उत्तर पूर्व में भारत चीन के बीच में सीमा रेखा है फिलहाल, तो पहले भारत और तिब्बत के बीच में वो सीमा रेखा हुआ करती थी, भारत तिब्बत और चीन के बीच में, लेकिन तिब्बत पर अधिकार हो गया चीन का तो अभी जो है वो भारत और चीन के बीच की रेखा मानी जाती है, ठीक। इसका भी इतिहास है किस प्रकार से रेखा का वो किया गया था, तो वो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। मैकमोहन रेखा वैसे आप लोग जानते होंगे जनरली, आजकल तो पूरा चर्चा में है सब कुछ। तो मैकमोहन रेखा को उस समय उसने अवैध बताया। अब नेहरू जी फिर बिलबिला गए कि भाई हम तो हिंदू चीनी भाई भाई करते थे और ये जो है पीठ पर छुरा घोंप रहा है, हमारा इतना बड़ा भूभाग 48,000 वर्ग मील का भूभाग जो है वो अपना बता रहा है। तो फिर जो है बिलबिला गए नेहरू जी और भैया विरोध दर्ज कराए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब तक एक्चुअली क्या हुआ था कि इससे पहले तक तो चीन ने कभी इस तरह का मुद्दा छेड़ा नहीं था, लेकिन अब तक क्या हुआ था 1959 तक कि चाइना जो है अपना पूरा तैयारी कर चुका था भारत को घेरने का तैयारी, और नेहरू जी जो है वो बिल्कुल ही, या फिर भारत की सरकार जो है वो बिल्कुल ही शांत पड़ी हुई थी, शांति प्रिय एकदम गांधी जी के बात पर चलते हुए। तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को जो कांग्रेसी हैं या फिर जो गांधीवादी हैं, लेकिन जो बात सच्चाई है वो है कि भारत चीनी भाई भाई के, हिंदू चीनी भाई भाई का जो वो मंत्र था ना, उसने हमें बहुत धोखा दिया। तो फिर उस समय तक क्या हुआ था कि तिब्बत पर चीन जो है वो अधिकार कर चुका था, दलाई लामा भाग करके भारत आ चुके थे, ठीक है, दलाई लामा वहाँ से शरण लेकर के भारत आ चुके थे, और चाइना जो है वो अपना 1100 किलोमीटर का सड़क बना चुका था भारत चीन सीमा पर, और सीमा का तो खैर निर्धारण था ही नहीं, ढंग से, भारत अपने हिसाब से सीमा मानता था और चीन अपने हिसाब से सीमा मानता था, लेकिन जो भी था तो चीन जो है सीमा तक अपना पहुंच बना चुका था, सड़कों का निर्माण कर चुका था, अपना जो पूरा सैनिक है वो भारत चीन सीमा पर वो तैनात कर चुका था 1959 तक, ठीक है। लेकिन नेहरू जी को इसका कोई ज्ञान नहीं था, भारतीय सरकार को इसका कोई ज्ञान ढंग से था नहीं। ज्ञान तब हुआ जब अक्टूबर 1959 में चीनी सेना ने सीमा पार करके हमारे 9 जवानों की हत्या कर दी और 10 को बंदी बना लिया, और ये कहाँ हुआ था, कोंगका ला में हुआ था। कोंगका ला में चीन ने सीमा पार करके और हमारे 9 जवानों की हत्या कर दी और 10 जवानों को बंदी बना लिया। अब पूरे देश में आक्रोश अचानक से फैल गया कि भाई चीन की ऐसी हिमाकत कैसे हो गई कि भाई हमारे यहाँ आ करके और हमारे सैनिकों को मार करके चला गया, और नेहरू जी जो है वो मतलब शांति प्रिय बातें करते हैं और कुछ करते नहीं है इस पर। तो इस पर जो है विरोध दर्ज कराना सरकार की मजबूरी हो गई। अब जो है जनता में आक्रोश हुआ तो सरकार की मजबूरी हो गई, ठीक है। और उसके बाद भी लेकिन जो है कहने का मतलब ये है कि यार शांति भी जो है एक हद तक ठीक होती है,
शांति भी जो है एक हद तक ठीक होती है। कह के गए हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंशहीन विष रहित विहीन गरल हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्षमा उस आदमी को शोभती है, क्षमा वही कर सकता है जो कि ताकतवर हो पूरी तरीके से, ठीक है, उसमें सामर्थ्य हो, उसी को क्षमा शोभती है। वो क्या कर सकता है, वो क्या क्षमा करेगा किसी को, वो सर्प किसी को क्या क्षमा करेगा जो जिसके पास न दांत है न आपका जहर है न कुछ है, उसके पास कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तो कोई क्या क्षमा करेगा। कहने का मतलब ये है कि भारत को अपना सामर्थ्य विकसित करना चाहिए था, लेकिन हम लोग शांति की राह पर चलने वाले लोग थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी जो है वो सेना रखने के पक्ष में ही नहीं थे, नेहरू जी सेना रखने के भारत में सेना रखने के पक्ष में ही नहीं थे। और ये सच्चाई है कि इस समय तक 1960 के आसपास तक जो है अब भारतीय सेना के जो रक्षा प्रमुख हुआ करते थे वो भारतीय नहीं हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के हाथ में हमारी एयरफोर्स, हमारा नेवी और हमारी जो थल सेना है वो हुआ करती थी। तो ये सच्चाई है। और वो भी जब ब्रिटिशर्स जाते थे नेहरू जी के पास और कहते थे कि भाई सेना का आधुनिकीकरण करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और आपको जो है इक्विप्ड करना चाहिए, सेना को हथियार वगैरह देना चाहिए, सेना में भर्ती करनी चाहिए, तो नेहरू जी क्या कहते थे कि भैया हमको सेना की ज़रूरत क्या है, हम तो शांति के राह पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग तो सत्य अहिंसा पर चलेंगे और हमको सेना की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सेना पर कभी भी नेहरू जी ने जोर दिया ही नहीं। और ये भी सच्चाई है कि 1962 में अगर चीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता और चीन धोखा नहीं दिया होता तो हम लोग उसी प्रकार से चल रहे होते और हमारे पास सेना अपनी मजबूत नहीं होती जो आज की है। ठीक, तो क्या हुआ कि भैया भारत ने फिर से निर्णय किया, अब 9 लोगों की हत्या हो चुकी है, 10 लोगों को बंदी बना लिया गया है, लेकिन क्या किया भारत ने, फिर से जो है अपना मत ही रखा कि भैया आप जो है डीएस्केलेट कर लो, आप अपनी सेना को जो है उत्तर की तरफ खिसका लो तो हम भी अपनी सेना को जो है दक्षिण की तरफ खिसका लेंगे, हमारा जो भी चौकी बनाया हुआ है वो सब हम लोग पीछे की तरफ खिसका लेंगे, आप डीएस्केलेट कर लो, आप जो है शांतिप्रिय ढंग से इसको सॉल्व कर लो और जो भी बीच का जो क्षेत्र बचेगा आप अपनी सेना पीछे हटाओगे, हम अपनी सेना पीछे हटाएंगे, जो बीच का क्षेत्र बचेगा उसको असैन्यकृत रहने दिया जाए, मतलब उसमें कोई भी सेना नहीं होगी और अगर सेना होगी तो फिर दोनों तरफ से मिला जुला करके और हम लोग जो है एक न्यूट्रल सेना वहां पर रख देंगे जो कि उसकी हिफाजत करेगी। तो इस प्रकार का भारत ने प्रस्ताव दिया लेकिन चीन को ये स्वीकार नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई लेकिन वो भी बैठक जो है बेनतीजा निकली, असफल निकली। उसके बाद जो है फिर अब सेना यहाँ पर जनता में आक्रोश है और नेहरू जी जो है वार्ता ही किए जा रहे हैं, तो वार्ता कहाँ कहाँ हुई वो देख लीजिए, आपका बीजिंग में वार्ता हुई, फिर नई दिल्ली में वार्ता हुई और फिर रंगून में वार्ता हुई, तो तीन दौर की प्रधानमंत्रियों की वार्ता 1960 में हुई। लेकिन अब जनता कह रही थी कि भाई बात का कुछ अर्थ निकल नहीं रहा है, आप जो है वार्ता पर वार्ता किए जा रहे हैं, सारी असफल हुए जा रही है और वहाँ पर हमारे सैनिकों को मार रहे हैं चीन वाले और हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हो नेहरू जी। जब ये बातें सवाल उठने लगे नेहरू जी पर और आलोचना होने लगी नेहरू जी की, तब जा कर के वो जागे और उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा बहुत जो है अपना चौकसी बढ़ाना शुरू किया और उस समय भी निर्माण कार्य तो शुरू नहीं हुआ था लेकिन भारत ने अपनी चौकी बनाने शुरू कर दी, तो लगभग 50 के आसपास चौकी जो है वो बनाई गई सीमा पर। ठीक है, अब क्या हुआ कि 50 चौकियां स्थापित की भारत ने 1961 में सीमा पर और उससे जो है चीन को बड़ा वो लग गया कि भैया हम तो कर ही रहे थे, अब भारत भी जो है हमको आंखें दिखाने लगा है, चौकियां स्थापित करने लगा है, तो अब उसको बर्दाश्त हुआ नहीं, वो तो अपना पूरा तैयारी कर चुका था, पूरा सैनिक बिठा चुका था भारत चीन सीमा पर, अपना रोड वगैरह भी बना चुका था, कंस्ट्रक्शन कर चुका था, तिब्बत का भी मामला उसका सॉल्व हो चुका था, तिब्बत पर भी उसका अधिकार हो चुका था, तो अब तो उसका जो है आत्मविश्वास पूरा चरम पर था। उसने क्या किया कि सैनिक कार्रवाई प्रारंभ
कर दी। और 1962 के शुरुआत में क्या हुआ कि गलवान घाटी लद्दाख में, जहां पर अभी विवाद हुआ है वहीं पर गलवान घाटी लद्दाख में भारतीय चौकी पर चीन ने जो है वो कब्जा कर लिया और 25,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र था उस पर भी उसका कब्जा हो गया। ठीक है, अब ये कब्जा हो गया, धीरे धीरे चीन और भी आगे बढ़ता रहा और उसने जो है कब्जा कभी छोड़ा नहीं। लेकिन फिर बीच में जो है आपका श्रीलंका के जो आपके प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है एक कोलंबो प्रस्ताव लाया, कोलंबो में जो है मीटिंग हुई, 6 गुटनिरपेक्ष देशों नाम जिसको कहते हैं, तो 6 गुटनिरपेक्ष देशों का जो है एक सम्मेलन हुआ कोलंबो में, जिसमें श्रीलंका, वर्मा, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और कंबोडिया ने भाग लिया और इन देशों ने जो है भारत चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जो है अपना सुझाव दिया कि भैया आप लोग जो है वो पहले का स्थिति बहाल कर लीजिए, दोनों लोग एस्केलेट कर लीजिए और बीच वाला जो क्षेत्र है, मतलब आप चीन जो है अपनी सेना पीछे कर लेगी, आप अपनी सेना पीछे कर लो और जो बीच का जो क्षेत्र बचेगा उसको ऐसे ही रहने दो, फिलहाल उसमें कोई भी सेना मत रखो। और जो नेफा का क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो आपका क्षेत्र है, मतलब कि जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, उसमें जो है जो पुराना स्थिति था उसी को बरकरार रहने दो, मतलब 1962 से पहले का जो पुराना स्थिति था, सितंबर 1962 से पहले का, उस स्थिति में आप लोग आ जाओ। अब भारत ने तो मान लिया ये बात कि ठीक है भैया हम लोग डीएस्केलेट कर लेंगे और बाकी जो है सैन्य वो विसैनिकृत रहेगा, जबकि मान लिया भारत ने, जबकि भारत का जो क्षेत्र था 25,000 वर्ग मील क्षेत्र वो अब भी चीन के कब्जे में था, तब भी भारत जो है वो मान गया। अब आप सोच करके देखिए, आपका क्षेत्र जो है आपकी मातृभूमि पर किसी दुश्मन ने कब्जा किया हुआ है और आप जो है ये प्रस्ताव कैसे मान सकते हैं, तो यहाँ पर जो है नेहरू जी से गलतियाँ हुई थी। लेकिन चीन फिर भी नहीं माना, इतना होने के बावजूद भी चीन नहीं माना और चीन ने क्या शर्तें रख दी कि भैया हम तभी मानेंगे जब पश्चिम में जो है वो केवल चीनी चौकियाँ होंगी, पश्चिम का जो क्षेत्र है जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है उसमें केवल चीन का चौकी होगा, भारत वहाँ पे अपना चौकी नहीं बना सकता है। ठीक, उसके बाद क्या शर्त था, तो असैनिकृत क्षेत्र जो होगा, जो मतलब हम पीछे जाएंगे और भारत पीछे जाएगा और बीच में का जो क्षेत्र होगा, असैनिकृत जो क्षेत्र होगा उसमें भारत का आना जो है, भारत की उपस्थिति जो होगी वो प्रतिबंधित होगी, मतलब हम तो जा सकते हैं लेकिन भारत नहीं जाएगा। तीसरा क्या है कि पूर्व में जो भारतीय सैनिकों को मैकमोहन रेखा तक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो पूर्व में आपका उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा है वहाँ पर भी जो है भारतीय सैनिकों को जाने की अनुमति नहीं होगी, चीन के सैनिक जा सकते हैं। तो ये शर्तें इस प्रकार की थी कि भैया ये तो मानना जो है वो मतलब असंभव ही था, तो नेहरू जी ने माना नहीं। ठीक है, और यही सब के बाद जो है सिरिमाओ भंडारनायके ने जो है भारत और चीन से वार्ता की, जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। धीरे धीरे वार्ता चली लेकिन कोई भी इसका असर हुआ नहीं और भारतीय क्षेत्र जो है वो चीन के कब्जे में ही रह गया, जो आपका 25,000 वर्ग मील का क्षेत्र है वो उस समय वहीं रह गया। ठीक है, और यही जो है आपका धोखा और बाकी सब होते होते जो है 1964 में नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया। अब किस कारण से हुआ भगवान जाने, वो बहुत विवाद का भी कारण है जो भी है। तो कुछ लोग का मानना है जो नेहरू भक्त हैं उन लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि भाई यही सब चिंता में नेहरू जी ऊपर चले गए, जो भी है वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि विवादित बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1965 से लेकर के 1980 का जो है भारत का चीन, भारत और चीन का संबंध कैसा रहा उस पर हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद जो है 1962 के बाद जो है वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, चीन भी जो है एक तरफा 1962 में तो चीन जो है एक तरफा युद्ध विराम कर दिया था, तो उसके बाद जो है चीन मतलब भारत के मामला में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। जो आपका भारत कोई भी निर्णय लेता था तो सिक्किम के मामले में भी जो है वो बोलना बंद कर दिया था और बाकी तिब्बत वगैरह के मामले में भी जो है वो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था, भारत जो भी स्टैंड लेता था उसके विरुद्ध। ठीक है, आपका उसके बाद जो है 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ, लेकिन इसके बाद 1962 के बाद जो है भारत और ये चीन ने क्या किया था कि पाकिस्तान के साथ
भारत के विरुद्ध जाकर के पाकिस्तान के साथ जो है अपना मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। जबकि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो था उस समय अमेरिका का वफादार कुत्ता हुआ करता था, कह सकते हैं वफादार कुत्ता हुआ करता था अमेरिका का, और अमेरिका जो है वो चाइना का बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता था, बहुत एकदम मतलब 36 का आंकड़ा था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से जाकर के वो मैत्री कर लिया क्योंकि भारत का विरोध उसको करना था, ठीक। और उसके बाद जो है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो चीन ने जो है प्रत्यक्ष रूप से तो हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हथियार दे करके और बाकी सैनिक साजो सामान दे करके, पैसा वैसा दे करके पाकिस्तान का मदद जरूर किया। तो उस समय अमेरिका ने भी जो है 1965 में पाकिस्तान की मदद की और चाइना ने भी मदद की। और जब युद्ध ख़त्म हुआ उसके बाद जो सैनिक बंदी बनाए गए थे, पाकिस्तान के जो सैनिक भारतीय सैनिकों ने बंदी बनाए थे, उनके पास से अमेरिकी हथियार भी मिले थे और चाइनीज हथियार भी मिले थे। तो ये सबूत था हमारे पास कि अमेरिका ने भी मदद की थी और आपका चाइना ने भी मदद की थी। उसके बाद उसी समय जो है 1965 के ही लास्ट में सिक्किम को लेकर के भी चीन ने धमकी दी, ठीक है। सिक्किम को लेकर के भी चीन ने धमकी दी कि भैया आप सिक्किम से जो है अपना चौकी हटा लो, सिक्किम और चीन का जो आपका वो बॉर्डर एरिया है वहाँ से अपना चौकी हटा लो और जो है आप वहाँ पे गश्ती वगैरह जो है वो नहीं कर सकता था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी का शासन था, ठीक है। और सिक्किम पर उसने धमकी क्या दी थी कि भारत ने जो है सिक्किम चीन सीमा पर अतिक्रमण कर लिया है और जो है आप जो है अपना सैनिक को जो है पीछे हटा लो, नहीं तो हम जो है आप पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बात हुई थी। उससे पहले 1967 में आपका जो इधर का क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, उधर आपका उसने आक्रमण किया भी था, चीन ने आक्रमण कर दिया था नाथुला जो दर्रा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर उसने आक्रमण कर दिया था, जिसका भारतीय सैनिकों ने बहुत ही जोरदार जवाब दिया था। और वो छोटा सा ही युद्ध था लेकिन जो भी क्षेत्र का युद्ध था वो हम लोग जीते थे, ठीक है। उसको हम लोग जीत मानते हैं और जीत था हमारा, ठीक है। तो उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, भैया इंदिरा गांधी आयरन लेडी तो थी, चाहे उनके बारे में जो भी 1975 से जुड़ा हुआ विवाद था, लेकिन आयरन लेडी तो थी, उनका नेतृत्व तो सशक्त था और सेना को हमेशा उन्होंने मतलब आगे रखा था, ठीक। तो उसके बाद जो है उसी समय में 1967 में ही जो है आपका भारत में स्थित जो चीनी दूतावास था वहाँ से कुछ जो है लोग पकड़े गए थे, चीनी लोगों को पकड़ा गया था। क्यों? क्योंकि भैया वो जासूसी कर रहे थे, ठीक है। तो वो भी इंदिरा गांधी के शासन में पकड़ा गया था। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उस समय जो है ये धमकी दी गई थी आपका सिक्किम को लेकर के धमकी दी गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री भी जो थे वो तो खुद ही बड़े मतलब जो सीले आदमी थे, 1965 का युद्ध जो है कोई भूल नहीं सकता कि उन्होंने मतलब किस प्रकार से सेना को जागरूक किया था और जय जवान जय किसान बोल करके किस प्रकार से उन्होंने बातें की थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी तो खैर मतलब अब तक के मेरे नज़र में सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं। तो उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भैया सिक्किम जो है वो हमारा क्षेत्र है और हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, हम अपना न सैनिक वहाँ से हटाएंगे न चौकी वहाँ से हटाएंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद 1967 का मैंने बता दिया कि नाथुला दर्रे में जो है भारतीय चौकी पर आक्रमण किया गया और चोला नामक क्षेत्र में भी भारतीय चौकी पर जो है वो धावा बोला गया और यहाँ पर जो है हमने बहुत बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया, उसका ज़ोरदार जवाब दिया था, ठीक है। फिर आते हैं तो उसके बाद जो है धीरे धीरे करके मामला जो है डीएस्केलेट हुआ और भारत जो है शांति की अपील करता रहा और चाइना जो है कभी रिस्पॉन्ड करता कभी नहीं करता, तो ये मामला चलता रहा धीरे धीरे करके। चाइना भी जो है प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो भी सोच रहा था कि चलो भैया अब मतलब हमको जब मन होता है तब हम आक्रमण तो कर ही देते हैं, तो कभी कभार भारत की भी बात मान ली जाए, उसको भी थोड़ा लॉलीपॉप थमाया जाए। तो वो जो है कभी कभार मामला डीएस्केलेट कर देता था और 4-5 साल के लिए चुप रहता था। तो वो यही अवधि थी 67 के बाद जो है
वो चुप रहा। 1971 में क्या हुआ कि बांग्लादेश के लिए भारत और पाकिस्तान में जो है वो लड़ाई हुई, ठीक है। आप जानते ही हैं 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें जो है वो चीन ने पाक को समर्थन किया, चीन ने पाक का समर्थन किया, और यूएन में चाइना के प्रतिनिधि ने भारत का जो ये पक्ष था उसके बारे में कहा था कि यह गुंडागर्दी का तर्क है, यह गुंडागर्दी का तर्क है। मतलब भारत ने जो पाकिस्तान पर आक्रमण किया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उसको गुंडागर्दी करार दिया चीन के जो प्रतिनिधि थे यूएन में उन्होंने, ठीक। नेक्स्ट, भारत और सोवियत मैत्री संधि हुई 1971 में ही, तो उस समय जो है चाइना ने कोई भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, और उस समय अमेरिका ने भी जो है इसके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष बातें नहीं कही, मतलब दोनों मौन रहे जब भारत और सोवियत संघ के बीच में मैत्री संधि हुई, ठीक। लेकिन यूएन में जो है बांग्लादेश के विरुद्ध जो है चाइना अपना वीटो प्रयोग करता रहा। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बहुत समय तक चीन ने बनने नहीं दिया अपना वीटो प्रयोग करके, और उसकी सदस्यता को रोकता रहा। तो ये भी जो है एक तरह से भारत के खिलाफ ही उसका जो कदम था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में भारत ने आपका पोखरण में अपना परमाणु विस्फोट किया, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि भैया हम लोग इसका उपयोग जो हम लोग परमाणु शक्ति संपन्न तो बनेंगे, लेकिन इसका जो उपयोग है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। एक तो बड़ा मुश्किल से मतलब ये परमाणु विस्फोट किया था हमने पहली बार, चीन पहले ही कर चुका था, और चीन का उद्देश्य भी ऐसा नहीं था कि शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। और भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी चीन जो है इसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा करके कहना शुरू कर दिया कि भैया चीन भारत जो है अपना विस्तारवादी नीति के कारण जो है वो रूस के साथ मैत्री संधि किया है, और मॉस्को के साथ मिलकर के और परमाणु विस्फोट करके, और ये जो है अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों को डरा रहा है, और ये जो है विस्तारवादी नीति की तरफ चल पड़ा है। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार जो है वो शुरू किया था। उसके बाद 1974-75 में जो है सिक्किम मुद्दा सामने आ गया। सिक्किम मुद्दा सामने इस प्रकार से आया कि सिक्किम के लोगों ने वहाँ के जो राजा थे उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, और सिक्किम ने जो है भारत से गुहार लगाई कि भैया हमारा विलय जो है अपने में कर लो। तो भारत ने वही किया, सिक्किम का विलय जो है अपने यहाँ कर लिया और उसको राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। लेकिन चीन जो है इस पर बड़ा चीन को आपत्ति हो गया, तो चीन जो है कभी भी सिक्किम को मान्यता नहीं दिया, और इसके बारे में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोलता रहा, भारत के समक्ष भी अपना विरोध दर्ज कराता रहा, और वो जो कटुता है चीन का जो आदत है वो उसका सिक्किम के मामले में भी बना रहा। सिक्किम मुद्दा भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन धीरे धीरे करके 2003 तक जो है उसका जो है थोड़ा सा ब्रेन वॉश हुआ, थोड़ा सा मती जो है उसकी सुधरी, और 2006 में जा करके चीन ने सिक्किम को जो है भारतीय राज्य के रूप में मान्यता दी, ठीक। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ तक जो है धीरे धीरे करके 1975 के आसपास तक जो है चीन थोड़ा सा सुधरा था। इंदिरा गांधी का नीति वो नेहरू जी वाला था नहीं, इंदिरा गांधी थोड़ा सख्त नेता थी, तो उस समय जो है चीन का स्थिति थोड़ा सा सुधर गया था, थोड़ा सा वो भी जो है वो चाहता था कि चलो ठीक है थोड़ा मैत्री संबंध आगे बढ़ाया जाए। तो 1962 से लेकर के 74 तक तो भारत और चीन में कोई भी मतलब डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रहा, मतलब दूतावास एक दूसरे के तरफ नहीं हुआ करते थे। लेकिन 1975 में KR नारायणन को चीन में भारत का राजदूत बनाया गया, चीन में भारतीय राजदूत किसको बनाया गया, KR नारायणन को बनाया गया। और धीरे धीरे करके जो है वो और चीन ने भी अपना राजदूत भारत में नियुक्त किया, और राजदूत स्तर पर जो है बातचीत शुरू हो गई, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है मैत्री संबंध आगे बढ़ा। कुछ दिनों तक विवाद जो है वो सामने नहीं आया, और दोनों विवाद इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि दोनों देशों ने तय किया कि भैया सीमा विवाद जो है उसको हम लोग साइड में रख देते हैं, उस पर बाद में बातचीत होती रहेगी, लेकिन अन्य जो भी हमारे बीच में संबंध है, आर्थिक संबंध हो, जो सांस्कृतिक संबंध हो, जो सैनिक मतलब बाकी रक्षा से संबंधित संबंध हो, संचार से संबंधित संबंध हो, उसको जो है आगे
बढ़ाया जाए। तो सीमा विवाद को अलग साइड में रख करके बाकी सब मुद्दों पर जो है भारत चीन के बीच में वार्ता होती रही राजदूत स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर। ठीक, अब 1976-77 में क्या हुआ कि दोनों देशों में जो है अलग अलग घटनाएं हुई। 1976 में जो है जो चीन के प्रधानमंत्री थे माओ त्से तुंग, उनका निधन हो गया। माओ त्से तुंग का निधन हो गया। अब इधर 1977 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। 1975 का मामला जानते हो, आपातकाल के बाद जो है 1977 में चुनाव हुआ और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। ठीक, अब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, उधर माओ त्से तुंग का भी निधन हो गया था, तो दूसरे जो पेंगले थे वो प्रधानमंत्री बने थे चाइना के। ठीक, तो उन्होंने जो है, अब आदमी बदलता है तो उसके विचार भी बदलते हैं, तो उसने जो है भारत के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तो माओ के बाद जो है वो थोड़ा बहुत मैत्री संबंध आगे बढ़ा। और मोरारजी देसाई के समय में विदेश मंत्री थे आपके वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी चीन गए। ठीक है, वाजपेयी जो है मैत्री संबंध के मामले में ही चीन जा रहे थे, लेकिन चीन जैसे ही पहुंचे वहीं पर जो है अपना यात्रा उनको बीच में छोड़ करके आ जाना पड़ा, क्योंकि चीन ने तब तक जो है वियतनाम पर आक्रमण कर दिया था। और वियतनाम पर चूंकि चीन ने आक्रमण कर दिया तो उसके विरोध में जो है अटल बिहारी वाजपेयी अपना यात्रा पूरा किए बिना वहां से वापस लौट आए। ठीक, तो यहां तक जो है 1979 तक का जो घटनाक्रम है, 1980 के आसपास तक का जो घटनाक्रम है वो हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1980 के बाद से लेकर के अब तक का जो भी इतिहास रहा है भारत चीन संबंधों का, उसके बारे में देखेंगे। तब तक अपने खून में उबाला लाते रहिए और मतलब कि इस बात को एंजॉय करते रहिए। चल रहा है भारत और चीन के बीच में मतभेद चल रहा है और सीमा विवाद चल रहा है, तो हम लोग अपने देश की सेना का जो है एकदम जोश हाई करके रखेंगे। और हाउ इज़ द जोश, तो हाई सर एकदम तगड़ा से रखेंगे, सब लोगों का बात सुनेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भैया किस प्रकार से सीमा विवाद चलता है और किस प्रकार से भारत की सेना मजबूत है और हम लोग किसी मामले में उससे पीछे नहीं है। आया सामने से अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो हम लोग तो उसको पीट देंगे ही, और इस बार तो गर्दन तोड़ के भेजे हैं, अगली बार जो है पूरा एकदम मतलब सफाया कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया अच्छे से और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, और मुझे लगा कि हाँ आगे भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और पूरा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा। लेकिन वो निर्भर करता है कि आप लोग कितना इसको इस वीडियो को प्यार देते हैं, क्योंकि ये मैंने मतलब लिंक से अलग हट के वीडियो बनाया था केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी समझ जो है थोड़ी मजबूत हो सके। ठीक, तो ये आप पर निर्भर करता है, आप जितना प्यार देंगे उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ठीक, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नया चैनल है तो थोड़ा मदद कर दिया कीजिए यार, पूरा वीडियो एक बार ऑनलाइन देख लेने में क्या जाता है, एक बार ऑनलाइन देख लो और उसके बाद फिर जो है अपना डाउनलोड करके देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक बार ऑनलाइन देख लोगे तो थोड़ा सा वॉच आवर बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। जब डाटा यूट्यूब वाला भेजता है ना कि यार एवरेज व्यू आवर जो है वो मात्र 4 मिनट है, मतलब 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो, और वीडियो देखा गया कितना एवरेज, तो 4 मिनट देखा गया, तो यार मैं तो सर पीट लेता हूँ कि यार कोई भी मतलब 2-4 लोग भी ऐसे नहीं हैं, 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो कि पूरा वीडियो ऑनलाइन एक बार देखते हैं। थोड़ा सा इसमें मदद कर दो, ऑनलाइन वीडियो देखा करो, डाउनलोड करके बाद में देखते रहना। ठीक, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को जोड़ो, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मदद ज़रूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम, जोश हाई रखना।